going to teach grammar section, chapter number 2, the uses of a, an. Okay, today in this chapter we have to use a, an, okay, in the sentence. First of all, I tell you what is the articles, what is the meaning of articles. Articles means the adjective, a, an, or the are called articles. Articles. और ये articles आपको सिर्फ English grammar में ही मिलेंगे, हिंदी में, मराठी में इसमें ये articles नहीं है. सिर्फ English grammar में ही आपको ये articles मिलेंगे, a, an, the. और ये articles आपको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करना है, वर्ड्स के सामने यूज करना है, ये मैं आगे आपको बता. लेट्स सी, ए एन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए एन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द इज द डेफिनेट आर्टिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ए एंड हाउ वी यूज इन सेंटेंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द मोवेल. वी नो मोवेल, A E I O U, five alphabets A E I O U are called vowel. And except vowels B C D, it is called consonant. It is called consonant, vowel and consonant, isn't it? A E I O U, this is the vowel. And except vowel B C D E F J, this is the consonant. Okay. First of all, let's see how use of a. Okay, when we show articles is used, singular countable nouns. जब कोई चीज singular है, एक है, countable है, हम count कर सकते हैं, उसके सामने हम a articles is used करते हैं. एक भी कुछ रूल्स है, एंड के भी कहा कुछ सेंटेंस में हमें जिस वर्ड्स के सामने सेंटेंस में कहा यूज करना है उसके भी रूल्स है. वो रूल्स हम लेट्स सी वन बाय वन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी यूजेस ऑफ ए. यूजेस ऑफ ए, ओके, टू शो वननेस. जब कुछ थिंग्स वननेस है, वन एक है, तो उसके सामने भी हम ए आर्टिकल्स लगाते हैं. कौन सा? टू शो वननेस. व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ यूजेस ऑफ ए? टू शो वननेस. ओके, देन द सेकंड रूल इज द ए आर्टिकल्स इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर यानी जो एक वचन है, एक है, और जिसको काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, उसके सामने भी हम ए आर्टिकल यूज करते हैं. टेक एग्जाम्पल, अ पेट, अ बॉय, then a heart and count. We can count pen, one pen, two pen, three pen, then a boy, one boy, two boy, three boy, and all these are pen, heart, count. All these are singular countable nouns. Okay, all these are singular countable nouns. So before these countables we use a. Okay, a boy, a pen, a boy, a heart, a cow. Okay, then now the third rule of before a word beginning with the consonant sound a is used. Okay, a is used in a consonant sound. Consonant sounds means अभी मैंने आपको बताया कि consonant b c d e f. यहाँ पे आप बोल रहे कि a ही u तो vowel भी है. जैसे take example university, uni and european, ये है. तो इसके सामने हमें एन यूज की थी. एन हमें कहाँ यूज करना पड़ता है? कि जहाँ पे ए आई ओ यू ये जो है, इससे अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके सामने हमें एन लगाना है. लेकिन यहाँ पे हम अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, अ यूनिट बोलते हैं, अ यूरोपियन, किसके सामने हमने ए लगाया है? क्योंकि ये इसका जो यू है, यू, यूनिवर्सिटी, यूनिट एंड यूरोपियन, दिस इज अ कंसोनेंट साउंड ए. दिस इज अ कंसोनेंट साउंड ए. ओके, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड ए इज यूज. अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूरोपियन. ओके, एंड ऑल दिस रूल्स ऑफ वंस अगेन टू शो वननेस. एक चीज के सामने देन आर्टिकल्स यूज बिफोर सिंगुलर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है उसके सामने यूज करते हैं. देन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड ए, कि जो कंसोनेंट साउंड के जैसे आते वर्ड्स, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज यू इज अ वोवेल, ए आई ओ यू, बट इसके सामने हमें बी ए लिखा है ना, तो यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूरोपियन, मीन्स बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड ए इज यूज. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ एंड. यूजेस ऑफ एंड, सम रूल्स फॉर यूजेस ऑफ एंड, लेट्स सी वन बाय वन टू शो वननेस. यहाँ पे भी हमें जो सिंगुलर है, काउंटेबल है, उसके सामने भी हमें एंड हम लिखते हैं. जैसे ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो अल्फाबेट्स है, वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स के सामने के जो यानी इससे जो भी जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उसके सामने हम एंड यूज करते हैं. ओके, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. ओके, देन टू शो वननेस विद वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड एंड इज यूज. वॉवेल साउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड रूल, विद द वर्ड्स, यानी जो वर्ड जिसके सामने वॉवेल्स है, वॉवेल्स से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि वॉवेल्स के सामने जो वर्ड्स है, वर्ड शुरू होता है वॉवेल्स से, उसके सामने हम एंड लेते हैं. जैसे टेक एग्जाम्पल, एस ए एस एस एंड एस एंड एक्शन एंड ऑक्स. यहाँ पे देखो ए से शुरू हुआ है, ए एंड एक्शन एंड ऑक्स, ओ ये ऑल इज आर वॉवेल्स ए. ओके, ओ और दीज आर ए इज वॉवेल. तो इनके सामने आपने क्या यूज किया है, एंड यूज किया है. विथ वर्ड बिगिनिंग विथ अ साइलेंट एच, नेक्स्ट व्हाट इज द रूल ऑफ यूजेस ऑफ एंड, विथ वर्ड बिगिनिंग विथ अ साइलेंट एच, जिस जो वर्ड यस से स्टार्ट होता है, एच इज अ कंसोनेंट नॉट वॉवेल. ओके, बट यस इज अ साइलेंट एच. एंड टेक एग्जाम्पल, ओवर ऑनेस्ट मैन, ओवर ऑनेस्ट मैन, हम इसको हॉवर बोलते क्या, नो, ओवर ओवर एंड ओवर है ना. सो साउंड इसका किसका कैसे लग रहा है, एच साइलेंट लग रहा है. एंड ओवर एंड ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन कहेंगे क्या, नो, इट एंड ऑनेस्ट मैन. ओके, इसके सामने हमने क्या लगाया, यहाँ पे वी यूज एंड. देन एंड हिस्टोरिकल नॉवेल एक्सेट्रा. ओके, व्हाइल शोविंग प्रोफेशन, व्हाइल शोविंग प्रोफेशन वी यूज एंड. एंड एम ए एंड एम कॉम एंड डिग्री भी जो दिखाई दे शो करने के लिए भी एंड का यूज किया जाता है. अंडरस्टैंड. देन इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, व्हेन इन सिंगुलर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, एंड इन दिस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ए, ओके, दिस इज अ सिंगुलर नाउन. एंड इन फ्यू फ्रेजेस में नंबर ऑफ इन अ स्क्वेयर फॉर अ बॉय, एंड देन शोइंग स्पीड और वैल्यू, ही ड्राइव्स हिज कार 50 किलोमीटर एंड ओवर है ना. यहाँ पे एंड, ये ऐसे वर्ड्स हम यहाँ पे ए और एंड का हमें यूजेस देखेंगे. इन नेक्स्ट पार्ट लेट्स सी हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ ए एंड, चैप्टर नंबर 2. ओके, थैंक यू.